पता है, शादी के बाद भी ना हम दोनों पक्के वाले दोस्त थे। हमारे परिवार खुश थे कि अचानक एक तूफान आया और सब खत्म हो गया। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरा जीत फिर से पहले जैसा हो जाए। उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट वापस आ जाए। मैं चाहती हूं वो फिर से अपनी जिंदगी वैसे ही जिए जैसे वो हमेशा जीता था, मुस्कुराते हुए। मेरे मरने के बाद वो टूट सा गया है, वो जैसे जीना ही भूल गया हो। पता नहीं मुझसे नाराज है या अपनी जिंदगी से। छवि, मैं चाहती हूं वो फिर से अपनी जिंदगी जिए और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज मेरी मदद करो छवि। तुम जो चाहती हो वही होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन ये सब तुम्हारे साथ हुआ कैसे? रानो, डीवीडी कहाँ से मिली तुम्हें? सर वो ऑफिस के पुराने फाइल्स और डीवीडीज के साथ पड़ी थी। सर वैसे आप बॉक्सिंग अच्छी करते हैं? था। मैं बॉक्सर था। अपने काम पे ध्यान दो। सर आप ये मैच जीते थे? मैं कभी कोई मैच नहीं हारा। लगाई था इसलिए मैंने ये लोगों के साथ बैठ लगाई कि आप मैच जीते ही होंगे। तुमने बैठ लगाई? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
सर मुझे लगता है आपको ना ऑफिस के साथ बॉक्सिंग भी कंटिन्यू करनी चाहिए। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। हम ऑफिस में आपके लिए छोटा सा जिम ओपन कर सकते हैं। बस कर रानो, कब से तू ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। कहां फंसा दिया रानो? टाइम की तो कोई कदर ही नहीं इस अनामिका को। एक तो लेट, ऊपर से इन्फॉर्म तक नहीं किया। क्या हुआ, अनामिका नहीं आई अभी तक? नो सर। सर, आई थिंक हमें शूट कैंसिल कर देना चाहिए। अगर हम और इंतजार करेंगे तो हमें और ज्यादा नुकसान होगा। नहीं, शूट नहीं कैंसिल होगा, हम लोग वेट करेंगे। समझ नहीं आता, जब ये मॉडल्स को काम मिलते हैं तो इतना एटीट्यूड क्यों? सॉरी मैम। आपके चेहरे पे गुस्सा? तो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी आप? यहाँ पे सब लोग आपकी वेट कर रहे हैं और आप फोन भी नहीं उठा रही। मैंने सोचा नहीं था कि आपको कोई भी चीज ऐसे परेशान करती है। आई गेस आई वाज रॉन्ग। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में। आइए। वो एक्चुअली मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए घर ढूंढ रही थी, उस वजह से लेट हो गई। शायद आपको पता ना हो, सूटकेस में सामान लेके यहां से वहां जाना, होटल्स बदलते रहना, इसमें कितनी तकलीफ होती। और मैं ये अनजान शहर में अकेली कब तक भटकती रहूंगी? तो आपको घर मिला या नहीं? नहीं। तो आप यहां क्यों आई हैं? पहले अपना काम कर लेती हम लोग, उसके बाद ये। मैं यही बताने आई हूं, आज मैं शूट नहीं कर सकती। ये बात तो आप फोन पे भी बता सकती थी, उससे आपको और तकलीफ होती। अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं आपकी हेल्प कर देता घर ढूंढने में। अभी आपको पता चल ही गया है तो क्या करें, शूट या घर ढूंढें? पैक अप फॉर द डे। चलिए पहले आपको घर ढूंढ लेते हैं। मैं कई सारे ब्रोकर्स को जानता हूँ, कोई ना कोई अच्छा घर मिल जाएगा। कम ऑन, लेट्स गो। यार ये क्या हो गया अचानक? जीत सर तो खुद ही इतने गुस्से में थे और अचानक खुद ही पैकअप कर दिया। पता नहीं क्या कह दिया अनामिका ने। Thank you.
ऑफिस टाइम में फ्रेंड्स बुक। ओह गॉड, तुम एक काम करो, बेबी को भी ऐड कर लो, वो भी फ्रेंड्स बुक पे है। चलो उन्हें रिक्वेस्ट भेजो। आर यू सीरियस? बेबी ऑन फ्रेंड्स बुक? कैन यू इमेजिन? मैं अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ। बेबी को ऐड करके ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मस्त है मेरी बेबी। वैसे तो मेरी फैमिली के ना सारे लोग बहुत अच्छे हैं, पर बेबी है ना थोड़ी ज्यादा वाली स्पेशल है। वो तो मैं देख चुकी हूँ। इनफैक्ट अभी मैं वही जा रही हूँ, वो मैंने चीकू के लिए कुछ लिया है, तो घर जाते वक्त सबसे मिलकर जाऊंगी। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ बैठे टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? अपना भी और मेरा भी। कितनी बड़बड़ करती हो तुम छवि, लेट होगी तो। बाय। क्या बात है, ये चीकू बड़ा खुश नजर आ रहा है, जाकर देखती हूँ। ओए चीकू, ओहो, इसलिए इतनी खुशी मनाई जा रही है, इतनी सारी बॉल मिल गई। अरे तुम इसके लिए इतने गिफ्ट लेके आया करोगी ना, बिगड़ जाएगा। नमस्ते बेबे। नमस्ते बेबे। मैं घर जा रही थी, मैंने सोचा चीकू के लिए कुछ खरीद लूं। आप माइंड तो नहीं करेंगे ना? ओए नहीं बेटा, वैसे भी चीकू इतना खुश है, फिर मैं क्यों माइंड करूं? तुमने भी अपने घर में कोई डॉगी रखा हुआ है? मन तो बहुत करता है कि एक पेट रख लूं घर पे, पर उनकी देखभाल करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता। पर मुझे ना पेट से बहुत प्यार है। तुम्हें देख के ही पता लगता है, इसलिए तो तुम्हें देख के ये इतना खुश हो जाता है। बेबे, आप फ्रेंड्स बुक पर नहीं आई आज? फ्रेंड्स बुक पर? बेटा तुम्हें कैसे पता कि मैं फ्रेंड्स बुक पर हूँ? कम ऑन बेबे, आप इतनी मॉडर्न हो, आपको देख के कोई भी बता सकता है कि आप फ्रेंड्स बुक पर हो ना? हाँ हूँ। एक्चुअली बेबे, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और अभी तक वो आपने एक्सेप्ट नहीं की, इसका मतलब आज आप पूरा दिन साइट पर नहीं आई। अच्छा ठीक है, जाके ना मेरे कमरे से, गेस्ट रूम से ना मेरा आईपैड लिया, मैं तुम्हें ऐड कर लेती हूँ। ओके ओके बेबे, अभी लाती हूँ। हाँ जी मेहता साहब, आपने जो जो प्रॉपर्टीज बताई थी वो देखी हमने, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आया। तो ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है, वो भी दिखा देता हूँ। लेकिन क्या है कि सलूजा साहब शहर से थोड़ी दूर हैं। एक बंगला है जो काफी टाइम से बंद पड़ा है। चलेगा तो बोलो जी, मैं अरेंज करवा देता हूँ। आई थिंक चलेगा, लेकिन चाबी अभी मेरे पास है नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा चाबी अरेंज करने में। नो प्रॉब्लम, तब तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। आप मेरे को एड्रेस एसएमएस कर दीजिए और हमें डायरेक्ट वहीं मिलिए। ओके जी। ओके। शहर से दूर एक बंगलो है, चलें। मैंने सब आप ही पे छोड़ दिया, क्या आप ले जाएं? लगता है जीत सर का रूम है। मैं आ जाऊं? थैंक यू सो मच, इस बार तुमने मुझे डराया नहीं। और हर बार आने से पहले पूछती हो क्या मुझे? आ जाओ, तुम्हारा ही कमरा है। दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हो। हम्म,
तो सिर्फ तस्वीरों में ही साथ होते हैं। कितने खुश थे हम दोनों, एक दूसरे से ऐसे जुड़े थे जैसे सूरज से रोशनी, जैसे सांसों से धड़कने जुड़ी होती है। हमारे बीच में सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं था, हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता था जो प्यार से भी बढ़कर होता है। मैं अपनी इन आंखों से अपनी जीत के लिए सपने देखती थी और मेरा जीत मेरा हर सपना पूरा करने के लिए जीता था। पर अब मैं एक अलग दुनिया में हूं और मेरा जीत एक अलग दुनिया में है, इसीलिए मैं चाहती हूं कि जीत फिर से अपनी दुनिया बसा ले, क्योंकि मैं जानती हूं अच्छी तरह से उसे मुझे याद कर करके ना यूं ही तड़पता रहेगा। रानू, तुमने बताया नहीं तुम्हारी मौत कैसे हुई। वो एक हादसे में मेरी मौत हो गई थी। मैं उसके बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहती और क्या फर्क पड़ता है, जो होना था वो तो हो गया ना। रानू, रानू, ब्रोकर ने एड्रेस तो यहीं कहीं का बताया था, आइए वहां देखते हैं। आई थिंक यही घर है, चले। अरे ये दरवाजा तो खुला हुआ है, शायद इसका मालिक इसको लॉक करना भूल गया। अंदर चल के देखते। मैं ब्रोकर को इन्फॉर्म कर देता हूँ, उसे पता होना चाहिए दरवाजा खुला हुआ। कमाल है, नेटवर्क ही नहीं आ रहा। ये सब छोड़ दीजिए ना, हम लोग ही देख लेते हैं घर।